Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Last video आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जिसका नाम है स्टफ गार्लिक ब्रेड। ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी, तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, इसके लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, और इसको इसमें मैंने छान लिया है अच्छे से और एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, इसमें ये मिक्स हर्ब्स हैं, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये सॉल्ट है, ये टेस्ट के हिसाब से आप लेंगे अपने। और ये यीस्ट है, इसको मैंने 1 कप वाटर में हल्के गुनगुने में थोड़ी देर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा आटा, बहुत हार्ड नहीं करना है इसको, बहुत सॉफ्ट सा, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये ऐसे कर गूंद लिया है, और इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऑयल लीजिएगा। और ये देखिए, इसको कम से कम 2 आवर्स के लिए हमें रखना है ताकि ये डबल हो जाए। तो ये हमारा डो अब रेडी है, इसको हम 2 घंटे बाद चेक करेंगे। ये देखिए, ये मेरा आटा कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है, एकदम रेडी है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से रोल हो चुकी है। अब ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये गार्लिक और चॉप्ड कोरिएंडर है, इसके अंदर मैं ये बटर ऐड कर लेती हूँ। ये इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके अब मैं ये इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ये मैंने मोज़रेला चीज और गो चीज दोनों ली है। ये हमने इसमें मोज़रेला चीज डाल दी, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और पनीर। देखिए, अब ये मैंने पनीर को डाल दिया है, अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और एक फोर्क की सहायता से ऐसे इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि ये चीज बाहर ना आ सके। अब हम इसके ऊपर ये दोबारा से लगाएंगे कोरिएंडर और गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक ब्रेड है तो खूब अच्छे से लगाइएगा गार्लिक, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए, ये मैंने ट्रे में, माइक्रोवेव की ट्रे है उसके ऊपर इसको रख दिया है, और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डाल दूंगी।
और थोड़ा सा ये चीज़ भी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है और चीज़ से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, एकदम यम्मी यम्मी टेस्ट। तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है और मेरे वीडियोस को बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा। तो ये एकदम रेडी है, अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ। मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया हुआ है, तो चलिए माइक्रोवेव में रख देते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये कट भी लगा दिए हैं और चीज़ भी स्प्रेड कर दी है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ। ये मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर प्रीहीट किया हुआ था, अब दोबारा से मैं इसको 180 डिग्री पर लगाऊंगी और 25 मिनट के लिए बेक करूंगी। देखिए ये अब 25 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और ये देखिए मेरी गार्लिक ब्रेड कितनी अच्छी से एकदम क्रिस्पी, वाओ। ये देखिए गाइस, बहुत ही यम्मी लग रही है ना। देखिए गाइस, ये मेरी गार्लिक ब्रेड बनके एकदम रेडी है।